अस्सलाम वालेकुम डियर पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, आपके लिए खबर ये है कि पंजाब की निगरान काबीना वो 19 जून को 4 माह के लिए पंजाब का बजट पेश करने जा रही है। उसमें जो ज़्यादातर खबरें हैं, कुछ टीवी चैनल्स के बकौल और अखबारात के बकौल के इनकार कर दिया गया है सैलरीज बढ़ाने से, कि जब एक परमानेंट गवर्नमेंट आ जाएगी इलेक्शंस के बाद तो वही पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाएंगी। लेकिन पब्लिक टीवी चैनल की एक खबर है जो कि 12 जून को 4:09 पर वो पेश की गई, उसके बकौल के ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाज़मीन को इंक्रीज 25% दिया जाएगा, जबकि BS-17 से अबव जितने स्केल्स के अफसरान हैं उनकी 20% इंक्रीज़ की जाएगी, जबकि जो पेंशनर्स हैं उनकी कोई इंक्रीज़ उनकी सैलरी में नहीं की जाएगी। एक और वजह भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपना फिस्कल ईयर 23-24 का बजट 9 जून को पेश किया था और वफाकी गवर्नमेंट ने अपने वफाक के तहत चलने वाले इदारों के मुलाज़मीन की जो इंक्रीज़ है वो 35% की थी। अब देखना ये है कि 19 जून को इन तमाम खबरों में से कौन सी खबर वो सच साबित होती है। उम्मीद तो यही है कि ये जो निगरान काबीना है ये 1 ग्रेड से 16 तक 25% इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं और इलेक्शंस के लिए जहाँ जहाँ गवर्नमेंट होती है, भले वो किसी एक सियासी जमात की नहीं होती है, फिर भी कोई ना कोई अटैचमेंट तो कुछ लोगों की होती ही है। उम्मीद करते हैं कि ये इंक्रीज़ हो जाए ताकि महंगाई के इस दौर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ़ायदा हो जाए, और अल्लाह करे जो पेंशनर्स हैं महंगाई के दौर में उनके लिए भी गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, उनके भी इंक्रीज़ हो जाए ताकि उनका भी रोज़ी रोटी का कुछ गुजारे का एक आसरा बन जाए। अब किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आपका होस्ट अली खान वाजिद लानवी जमनाए आपके पास पेश होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।